डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नोटिस के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। नोटिस का क्वेश्चन इस प्रकार है, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, यानी आपका विद्यालय है वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है। एज ए सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधियों के सचिव होने के नाते ड्राफ्ट ए नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है इन्फॉर्मिंग, सूचना देते हुए स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को टू गिव देयर नेम्स, कि वो अपने नाम दे फॉर स्पीच पोइम एक्सेट्रा, यानी स्पीच भाषण पोइम कविता एक्सेट्रा रिलेटेड टू प्रोग्राम, प्रोग्राम से संबंधित। यानी आपका विद्यालय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने जा रहा है और आप कल्चरल एक्टिविटी के सेक्रेटरी होने के नाते आपको विद्यार्थियों के लिए एक नोटिस लिखना है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो गांधी जयंती से संबंधित स्पीच और पोइम के लिए अपने नाम दे। तो आइए, अकॉर्डिंग टू नोटिस फॉर्मेट, हम सबसे पहले एक बॉक्स का निर्माण करते हैं और बॉक्स को हम बिल्कुल ओपन रखते हैं नीचे से। इसको जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा उसको हम बाद में नीचे क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल और स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपने मन से किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो हम यहां पर कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम लिख देते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और किसी भी एक स्थान का नाम यहां पर हम लिख देते हैं झुंझुनू, झुंझुनू, यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू। फिर यहां पर DDMM, यहां पर मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, आपको एक्चुअल डेट लिखनी है DDMMMYY के फॉर्मेट में। फिर आपको यहां पर नोटिस कैपिटल लेटर में, आपको बिल्कुल डेट के आगे या थोड़ा सा नीचे आप नोटिस लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। अब हमारा नोटिस का जो हेडिंग है, यानी ये नोटिस है वो किस पर लिखा जा रहा है, गांधी जयंती पर, तो यहां पर हम नोटिस के नीचे गांधी जयंती लिखेंगे, गांधी जयंती, और इसको हम कर लेंगे अंडरलाइन। अब हमारा यह टारगेट ग्रुप है स्टूडेंट्स विद्यार्थी, तो हम यहां पर नोटिस की स्टार्टिंग करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, जो कि इसका बिगनिंग पार्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। अब यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, तो यहां पर योर की जगह हम कर देंगे अवर, अवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट द गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर, और यहां पर 2000 और जो भी ईयर है वो आप यहां पर लिखेंगे। मैं यहां लिख देता हूं 2000 और जो भी ईयर है, चाहे 22 है, 23 है, 21 है, जो भी ईयर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू ईयर आप जिस सेशन में अध्ययन करते हैं वो आपको लिख देते हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो कुछ चीजें गांधी जी के ऊपर, गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, यानी गांधी है वो राष्ट्रपिता है। ड्यू टू हिज रिमार्केबल contribution to the nation, यानी उनके देश को दिए गए उल्लेखनीय योगदान के कारण
होल नेशन, पूरा राष्ट्र सेलिब्रेट गांधी जयंती, गांधी जयंती ऑन 2nd अक्टूबर, जो कि गांधी जी का जन्मदिन है। अब यहां पर हाईलाइट करने के बाद हम विद्यार्थियों को कहेंगे कि टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट या टू पार्टिसिपेट इन गांधी जयंती प्रोग्राम, गांधी जयंती प्रोग्राम। विलिंग स्टूडेंट्स यानी इच्छुक विद्यार्थी, विलिंग स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड देयर नेम्स फॉर, अब नाम किसके लिए, तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं नेम्स फॉर स्पीच पोइम एक्सेट्रा, तो यहां हम लिख सकते हैं नेम्स फॉर स्पीच पोइम एक्सेट्रा रिलेटेड टू गांधी, यानी गांधी जी से संबंधित जो भी आप यानी विद्यार्थी स्पीच या पोइम या अन्य जो मटेरियल है उसमें आप प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट टू undersigned person, contact to undersigned person। इसके बाद लास्ट पार्ट में हम लेफ्ट साइड में जो भी यहां नाम नहीं है क्वेश्चन में, तो हम अपने मन से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं, जैसे एजे सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, तो आप सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एक्टिविटी आपका डेजिग्नेशन हो गया, तो उसका एक कोई भी हम नाम लिख सकते हैं अपने मन से। तो यहां पर जैसे हम नाम लिख देते हैं अंकुर गुप्ता, और इसके हम साइन कर देंगे और नीचे इसका डेजिग्नेशन लिख देंगे सेक्रेटरी, और कोष्टक में लिख देंगे कल्चरल एक्टिविटी। और यहां पर हमारा ये जो नोटिस जो खत्म हो गया है उसके नीचे हम इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने गांधी जयंती पर आयोजित, गांधी जयंती पर आधारित एक नोटिस के क्वेश्चंस का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।